जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ, काखा घा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला। शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला। बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला। शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की। सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। ये देख रहे हो ना, इसे भरो पूरा। इससे तुम्हें लिखना भी आ जाएगा साथ साथ में, और जो ना समझ में आया कुछ तो बुला लेना मुझे, अंदर ही हूं मैं। दिखा। तो आ और खा तो लिखना सीख लिए तुमने। अब ध्यान से सुनो, आज एक नई चीज पढ़ेंगे। ये क्या लिखा मैंने? आगे डंडा भी तो लगाओ ना, तभी तो पूरा होगा। और डंडा ना लगाऊं तो? जे रह तो ना है। अरे अम्मा, राह कैसे है गया जे? राह के सामने ऐसी लकीर कहाँ हुए है? अरे ठीक है कौशल्या, सामने डंडा लगा दे रहे तो सा बच जाएगा। मान ली तेरी बात, ले जे लगा दिया डंडा और जे बन गया सा। और जब मैंने कही तब क्यों ना लगाया? अरे अब तो लगा दिया ना, पर जब मैं जे पूछ रही हूँ कि जो मैं जे डंडा हटा दूं ऐसे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ भी ना बनेगा। कुछ ना बनेगा ना। अच्छा जे बताओ, कभी किसी ने उषा बहन जी से पेट दर्द की गोली ली है? मैं अभी लेके आई मूर्ति के लिए। तेरे पे है? हाँ। लदे, अभी ला दिखा। क्या कही उषा बहन जी ने? जे ये कहा, ज्यादा दर्द हो तो पूरी गोली दीजो, कम दर्द हो तो आधी। तो कम दर्द में आधी गोली लेने की बात कही ना? हाँ। मतलब जे कि आधी गोली भी काम करे, ज्यादा दर्द में पूरी गोली लेने की कही और कम दर्द में आधी। हाँ। और जो आधी गोली देख करके मूर्ति कहे कि एरी अम्मा जे तो पूरी है ना, इससे तो कुछ ना होने का, तो फिर? अरे कैसे ना होने का, गोली तो गोली है, आधी होए या पूरी होए। हाँ, इसी तरह कुछ अक्षर आधे इस्तेमाल हुए। आधे इस्तेमाल हुए? हाँ। और कुछ के आगे से डंडा हटा दो तो वो आधे बन जावे। पर सुशीला, आधे अक्षर से भी कुछ लिखा जा सके? क्यों नहीं, कितने लफज ऐसे हुए जिनमें आधी आवाज आवे है, वहाँ पे आधा अक्षर लिखा जावे। आधी आवाज माने? आधी आवाज माने आधी आवाज, जैसे किस्मत, इसमें सा की आवाज आधी आवे है ना। कौशल्या जा लिख तो सही किस्मत, अभी समझ जाओगी तुम। का छोटी ई की मात्रा की स किस मा त मत
किस्मत। क्यों रे गीता, ठीक लिखा है? किस्मत, हाँ ठीक लिखा है। कौशल्या आके बैठ। जे किस्मत है या किस्मत? हाँ हाँ क्या किस्मत? ध्यान से सुन मैं क्या पूछ रही हूँ, किस्मत या किस्मत? अरे किस्मत है, किस्मत क्या हो वे? मोको तो जे किस्मत लगे। पता नहीं तुझे कैसे किस्मत लगे है, अरे साफ किस्मत लिखा है। अच्छा ठहर, जे बता जे क्या लिखा है? कसम। क्यों कसम कैसे बन गा? तेरे हिसाब से तो कसम होना चाहिए जे। जो जे किस्मत है तो जे कसम होना चाहिए ना। अरे तो कैसे लिखेंगे किस्मत? तो जे पूछना, बताती हूँ ध्यान से सुनो। किसी किसी लफज में किसी अक्षर की आधी आवाज आवे है, और जो आधी आवाज आवे तो उसके लिए आधा अक्षर लिखे हैं। जैसे बिस्तर, बिस्तर में सा की आवाज आधी आवे है, जो पूरा लगाओगे तो बन जावेगा बिस्तर। इसी तरह बस्ता, बस्ता में सा आधा है, जो पूरा लगाओगे तो बनेगा बसता। तो इस तरह किसी किसी अक्षर के आगे से डंडा हटा दो तो वो आधा बन जावे है। जैसे सा, जो सा में का डंडा हटा दो तो बन जावे है आधा सा। क्या बन जावे है? आधा सा। हाँ तो किस्मत में सा की आवाज आधी आवे है ना, बोल के देखो। किस्मत, 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 किस्मत। सा की आवाज आधी आवे है ना। हाँ किस्मत, किस्मत, बस्ता, बसता, सस्ता, ससता। शाबाश, जे समझ गई। अब देखो जे किस्मत लिखा कैसे जाए। जो ऐसे लिखेंगे हाँ तो बनेगा किस्मत, और जो जे डंडा हटा दे तो बनेगा किस्मत। अब लिखो अपने अपने पास। क पे छोटी की मात्रा आधा सा मा त किस्मत। ठीक कौशल्या, अब तू ऐसे कुछ और लफज लिखा, मैं देखा वो कहां तक पहुंची। मूर्ति तू लिख बस्ता। मौसी तू बिस्तर लिख। शाबाश। अरे देख तो, मेरी दादी हमें शाबाशी दे रही है। ताई
तुलेख कनस्तर ना आधा सा ता बिल्कुल ठीक। अरे तू लिखाया तो जा रही है, अब खुद तो कुछ भी ना लिख रही है, अब तू भी लिख। लिख रस्सी ले, ऐसे तो कितने सारे सब लिख लिए। रस्सी लस्सी किस्सा हिस्सा। गीता मासी तैने भी कुछ लिखा? ना मैंने कुछ ना लिखा। दिखा दो। दिखा। अरे अरे कुछ लिखा मैंने। क्या लिखा बताओ? क्या लिखा? कुत्ती। छोकरी। अरे ये क्या शोर कर रहा है? आती हूँ अभी। अरे दिखा ले। अरे ना दिखा। अरे मासी। अरे दिखा ले। अरे अरे ये क्या छीना झट्टी है ये? मोजी देखो इनने क्या लिखा। अरे कुछ ना लिखा मैंने। दे जो ही मखौल कर रही है। कौशल्या क्या लिखा? कुछ लिखा तो मतलब ये कि बात उसकी खोपड़िया में बैठ गई। अरे है क्या रहा? अच्छा ऐसे और लफज लिखो जिनमें आधे अक्षर आवे। अच्छा लिखो मुरब्बा। माँ छोटे उ की मात्रा र आधा ब पूरा ब मुरब्बा। बहुत बढ़िया। अब आधे बा वाले कुछ और लफज लिखो। आधा ब ब आ की मात्रा अब्बा। अब आधे माँ से कुछ लफज लिखो। आधा माँ माँ आकड़ा अम्मा। जी देख सुशीला ने करा सबसे अकलमंदी का काम। बाकी सबने तो ऐसे लफज लिखे जिनमें वो ही अक्षर पहले आधा आवे फिर पूरा। इनने आधे अक्षर से लिख डाला कंबल आधा माँ। और कोई लिख सके ऐसा लफज? शाबाश गीता। देखो री ये क्या लिखा है? अस्पताल। आप चलूंगी कुछ भी महीना हूँ मैं तो। दूर चलेगी तू? रोज रोज फेरी में तो जैसे तुम जाओ ना। पैर सूझ गए हैं फिर भी जिद ना छोड़ेगी। अपने मर्द का सहारा लेते भी ना कटे तेरी। ना चाहिए मुझको किसी का सहारा। अरे तौबा
कैसी लड़ाका से निकाह कर लिया। हाँ, तुम्हें तो जैसे और भतेरी मिल रही ना, वो तो मैं ही थी जो तुम्हारे जैसा भोंदू पसंद कर लिया, नहीं तो उम्र भर कुंवारे डोलते। सच्ची वो तुझे पसंद आ गया? कितना पसंद आया बताना। अरे बताना कितना पसंद आया बताना। अरे बताना कितना पसंद आया। छोड़ो बताना, कोई देख लेगा। अरे कोई ना देख रहा, मैं ही हूँ सरबिनाती। कमला बाजी आप? अरे हाँ, अस्पताल में सफाई पुताई का काम चल रहा है ना, तो गांव की 6 औरतें लगी, उन्होंने कही कि दिहाड़ी के टाइम पे पहुंच जाई हो, इसी करके बैठी। जो ठेकेदार फिर बदमाशी कर रहा। अरे नारी नया आया है कोई, वो पिछले वाला तो देने लगा दिहाड़ी टाइम पे, पर ये नया आया ना, आज देखे क्या करे। और तुम दोनों कैसे यहाँ पे? अरे बाजी जी, उषा भैनजी ने तो बात का बतंगड़ बना रखा है। सच्ची कह रहे हैं कि 3रा महीना लग गया है, अब यहाँ अस्पताल में जांच कराने हर महीने आना पड़ेगा, और 9 महीना में हर हफ्ता। मैं तो बाज आई सच्ची, इससे तो इसकी सुन के सुखिया कोई बुला लेती, इस झंझट बाजी से तो बचती। फिर वही बात, बाजी देख रही हो, पहले तो आप अड़गी ही कि उसे बहन जी से ही दिखाएंगे, अब जैसा वो कह रही है उसके मुताबिक चले। हाँ नहीं तो चल तो रही हूँ, और कैसे चलूं? तो हर बात पे चिड़चिड़ावे क्यों है? चिड़चिड़ाऊं या सर पीटूं, मेरी मर्जी। देख लो बाजी फिर झगड़ा करने लग गए। अरे तुम दोनों अभी से इतना झगड़ा करो, आगे चल के क्या करोगे? बाजी इसके इसी झगड़ालूपने की वजह से तो निकाह किया है मैंने इससे। अरे झगड़ालू मैं हूँ या तुम? अच्छा अच्छा चलो जाओ दोनों। ए, ब्लड प्रेशर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। चलो उठो, अब तुम्हारा वजन ले लेते हैं। तुम अब अंदर आ सकते हो, बाकी सब कुछ ठीक है। पैरों में कुछ सूजन थोड़ी सी ज्यादा है, घबराने की कोई बात नहीं है, खून की कमी के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम्हें कमी कुछ ज्यादा है, इसलिए कुछ ताकत की गोलियां लिखकर दे रही हूँ। डॉक्टर साहब इसमें बहुत बड़ी कमी है, अब किसी की बात ना माने अजय, ऐसी हालत में भी फेरी पे जावे है। कोई हर्ज नहीं, बल्कि चलना फिरना तो अच्छा है। देखो थोड़ा सुस्ता लिया करो, बस पैर लटका के मत बैठा करो। तुम्हारा वजन 48 किलो है, यहां लिख रही हूं। अब से हर महीने तुम्हारा वजन लिया करूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वजन हर महीने बढ़ते रहना चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां खून और पेशाब की जांच के लिए लिख दिया है, बराबर वाले कमरे में कंपाउंडर साहब करेंगे, पेशाब की शीशी उन्हीं को दे देना। डॉक्टर साहब कोई खास परहेज या खुराक? नहीं, जो रोज खाती है वही खाए, पर ज्यादा खाए। आखिर दो लोगों के लिए खाना है तुम्हें। दो लोगों के लिए? हाँ, एक अपने लिए और एक अपने पेट के बच्चे के लिए। देखो दोनों वक्त खाने में दाल और हरी सब्जियां वगैरह जरूर खाओ। कंपाउंडर साहब कुछ ताकत की गोलियां देंगे, उन्हें खाने के साथ दोनों वक्त जरूर लेना। मतलब कोई खास परहेज नहीं? नहीं, पर जो खाए पेट भर के खाए। अच्छा डॉक्टर साहब सलाम। सलाम। कंपाउंडर यही पर्चा देना। ला मुझे दे, आ जा। कंपाउंडर साहब अशरफी। हाँ जी। तेरा नाम है अशरफी? नहीं जी, इसका है। उसका जवान नहीं है क्या? उसे आप ही बोलने थे। बैठ जा बेटी। इसे उधर रख। नाम लिख दिया इस पे? ना जी। अरे नाम नहीं लिखा तो पता कैसे चलेगा कौन किसका है? जो तेरे करने का काम है वो तो किया नहीं, बिच टंगाड़ा है। अभी लिख देता हूँ।
ले लिख। शाबाश बेटी, आकम तू चंगा कीता, घरवाली को पढ़ा लिखा दिया। जी ये तो पहले से ही पढ़ी लिखी है। पहला बच्चा है? हाँ जी। घबराने की कोई बात नहीं है, और तू तो पढ़ी लिखी लड़की है। बस बस हो गया। हाँ ले लगा ले, दबा के रख। ले बेटी, सवेरे शाम खाने के बाद एक एक। ओए, तुझे भी कुछ पढ़ना लिखना आता है? हाँ जी। आ की लिखा? आज की आवाज हमें दो बच्चों पर नाच। की समझा? समझ गया। और सुन बेटी, खाना पेट भर के खाइयो। हाँ, खाना खाएगी तो बच्चा भी तगड़ा होगा और तेरे जिस्म में भी ताकत आएगी। अब जाओ। ओए तू इधर आ। मुझे यहां काम करते 15 साल हो गए। बहुत कम मर्द होते जो अपनी घरवाली को साथ लेके आते हैं। यहां तो माँ या सास ही साथ में आती हैं। इसकी सास माँ कोई ना है। अच्छा, तू इसके साथ आया, अच्छा किया। पहली बार में लड़की को बहुत घबराहट होती है, तो इसके साथ ही रहकर इसकी हिम्मत बनी रहेगी। की समझा? समझ गया जी। जाओ। अच्छा जी, सलाम, सत श्री अकाल। क्या कह रहा कंपाउंडर? कह रहा मेरी घरवाली बहुत सुंदर है, इसे शाम सवेरे रोज प्यार किया कर। तू कौन होती है? चल चल अपना काम कर। अच्छा बताऊं तेरे को मैं कौन होती हूँ? क्या क्या बताएगी तू? क्या बताएगी? लेना एक ना देना तो चढ़ी आ रही है। पर हट, जो दे दिया ठीक दे दिया। अरे क्या दे दिया है? मेरे सामने कर हिसाब तू। क्यों दलाल लगी है तू इनकी? मैं इनकी क्या लग रही हूँ तेरी समझ में ना आने की। अब जिरे बंद कर दे और 12 रुपए 60 पैसे के हिसाब से 6 औरतों के 75 रुपए 60 पैसे दे दे। हाँ कहीं सोच रहा हो कि अनपढ़ गवार जेब काट लूं, पूरे पैसे दे। क्या गया बाजी? अरे अरे देखियो भैया, कूड़े की सफाई की है 2 औरतों ने, अस्पताल की पुताई की 4 औरतों ने, तो 6 औरतों के 12 रुपए 60 पैसे के हिसाब से हो गए ना 75 रुपए 60 पैसे। और पकड़ा ला 48 रुपए और कह रहे आपस में बांट लो, और अंगूठा लगवा रहे पूरी रकम पे। क्यों बे ठेकेदार? अरे निकाल पूरे पैसे। हाँ तो कितने दे रहा है ये? 27 रुपए 60 पैसे। हाँ ये ले भैया, ये 27 और 48। हाँ तो ये है गए ना 75 60। हाँ चल ठीक है। ये लो चलो रही अब। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि केंद्र पे आना शुरू करो। अरे पढ़ी लिखी होती तो खुद कर लेती ना हिसाब। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो बढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत।